ਬੱਲਾ टीवी देख रही सर्व संगतां नूं जय गुरदेव धन गुरदेव। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी इस मंच तो धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे पावन पवित्र महान परोपकारी जीवन दे बारे कुछ चर्चा गलबात करन दे वास्ते एकत्र होए हां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गुरु महाराज जी दे पवित्र जीवन दे बारे गलबात करन लई स्टूडियो दे विच साडे कोल हाज़र होए ने साडे बहुत सत्कारयोग बाऊ प्यारे लाल जी। उन्हां दे बारे मैं थोड़ा जिहा पहलां संखेप दे विच दसना चाहांगा कि बाऊ जी दे परिवारक पिछोकड़ तो ये परिवार सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे दरबार दे नाल जुड़िया होया। बाऊ जी दे पिता जी श्रीमान कृपा राम जी और माता जी माता करमी जी वो गुरु महाराज जी दे सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज जी दे चरण कमलों दे विच उन्हां दे हजूर रह के उन्होंने बहुत लम्मा समा दिन रात सेवा की। और बाऊ जी दे नानी जी बीबी भानी जी जिहड़े कि सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे समय रसोई दा जो लंगर दी सेवा सी वो सेवा निभाया करदे सन। और बाऊ जी दे नानी जी दे भरा सत्कारयोग बाबा दित्तू राम जी जिहड़े कि सतगुरु स्वामी बाबा पिपल दास जी दे श्रद्धालु सेवक सन। और उन्हां नूं बाबा पिपल दास जी ने फरमाया सी जदों बाबा जी ने बेनती की सी बाबा दित्तू राम जी होरां ने नामदान वास्ते तो बाबा पिपल दास जी ने फरमाया सी कि तैनू नामदान दी बख्शिश सरवण करेगा। और सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे वो पहले शिष्य सन उस परिवार तो बाऊ जी हन। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो बाऊ जी होरां ने इस अधिकारी के तौर पर सेवा करते रहे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के ये वातावरण विग्यानी ने। और सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों के सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी के चरण कमलों के रह के आश्रम विखे रह के इन्होंने पढ़ाई की और उच्च अहुदियां दे विराजमान रहे। और सतगुरु पातशाह जी की इन्होंने बहुत संगत माणी है। महाराज जी दे जीवन संबंधी चर्चा करन दे वास्ते अज स्टूडियो दे विच हाज़र होए ने उन्हां दा असी हार्दिक स्वागत करदे हां। ते साडे कोल दूसरे जो गुरु घर दे सेवादार ने महाराज जी दी जिन्हां ते बहुत बेअंत बख्शिश है और डेरा सचखंड बल्लां तो गोल्ड मैडलिस्ट ने प्रिंसीपल सतपाल जस्सी जी वो साडे विच विराजमान होए ने जिहड़े कि उगे समाज सेवक ने चिंतक ने विद्वान ने और कई किताबां उन्होंने लिखियां ने। सतगुरु महाराज जी दे जीवन बारे चर्चा करन दे वास्ते अज स्टूडियो दे विच साडे कोल पहुंचे ने उन्होंने असीं हार्दिक जी आइयां नूं आखदे हां। हुण असीं गलबात शुरू करदे होए सब तो पहला प्रिंसीपल साहब मैं आप जी नूं संगत जानना चाहेगी कि सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी का जन्म कदों होया और उन्हां दे सत्कारयोग माता पिता जी का नाम की सी और जन्म स्थान के बारे आप जी संगतां नूं दसना करो। गिल पत्तियों बिल्लां दे विच आउण वालिया नहर कंढे सचखंड नूं बसाउण वालिया आए तारने नूं सारा संसार गुरु जी सानू भुलने न तेरे अपकार गुरु जी। कवि भगत राम दीवाना दे ये महज कल्पना नहीं है जी। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज दे जीवन की गल करन तो पहला उन्हां नूं समझना जां उन्हां नूं समझण की कोशिश करना ये हर प्राणी का अधिकार है और फर्ज है जी। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी एक महज संत नहीं सन। वो एक युग पलटाऊ आत्मा सी जी। सारे समाज नूं तारन वास्ते जी नामदान दी ਉਹ ਗੰਗਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ रविदास जी महाराज अपने नाल इस जगत नूं तारन लई लिआए सी। जे मैं कमां ते वो सर्व सांझे सारे वर्गां दी नुमाइंदगी वास्ते, उन्हां दे उपदेश वास्ते, उन्हां दे भले वास्ते, उन्हां दे लई आशीर्वाद दी बख्शिश करदे रहे हैं। और जे इतिहास डेरा सचखंड बल्लां दा पढ़ीए, अपने बजुर्गां तों सुणीए, अपणियां किताबां दे राहीं संतां महापुरुषां दी संगत चों देखीए तो उन्हों के चार वरण दे सारे वरण जिहड़े आ उन्हों के चरणा दे भौरे रहे आ, उन्हों के सेवादार रहे आ। जे ये गल नूं करिए तो बहुत लंबी गल हो जाती है जी। संत सरवण दास महाराज गरीबां के प्रति बहुत दयालू सीगे। इस समाज नूं उपर चुकण दे लई उन्होंने पूरा जीवन जिहड़ा गुजार दिता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਥਾਂਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ जी, वो गिल पत्ती बठिंडा दे विच होया जी। 15 फरवरी 1895 जी। माता शोभावंती जी, जी पिता श्री हरनाम दास जी दे घर जी इन्हां दा जन्म होया जी। इन्हां दा पछोकड़ कुत्तीवाल पिंड बठिंडा है। उत्थे संतां दे दादा जी श्री बाऊ राम उर्फ जोधा मल जी ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹਰਨਾਮੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਊ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ प्रभु बंदगी दे विच लगे रहंदे सी जी। जदों संतां दा जन्म होया, संतां दे परिवार दे विच श्री नानक दास जी इन्हां दे वड्डे भाई साहब, श्री सेवा दास जी उर्फ चूड़ दास जी इन्हां दे उन्हां तो छोटे भाई साहब ते संत सरवण दास महाराज जी अते इन्हां दी एक भैण संत कौर जी जिहड़ी ढिंगड़ां दे विच बठिंडे विआही होई है। वो बहुत चिर मैं उन्हां दे दर्शन कीते आ डेरा सचखंड बल्लां दे विच जी। सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज के जीवन काल के इत्थे रहिंदे रहे आ। संत सरवणदास महाराज क्योंकि आप मैं शब्द वरतिया आप परमेश्वर जी, उन्हां दे चार सज्जे पैर दे विच पद्म दा निशान सी जी। अनेकां उन्हां दे शरधालुआं ने देखिया ते संत श्री हरनाम दास जी महाराज इह गल नूं भली भांत जाणदे सी कि ये जिहड़े बालक मेरे घर आए आ इन्हां दे पैर दे विच चरण दे विच निशान आ। सो ये बहुत बड़ी रूहानी पावर आ। इन्हां दे मार्गदर्श दे लई मैनूं हुण संसार जीवन त्याग कर देना चाहिदा है जी। एक तां माता जी चले गए, माता शोभावंती जी जी उन्हां करके बालक संत सरवणदास महाराज जी नूं बहुत वैराग सी जी। उन्हां दा रोल अदा करना, उन्हां नूं संभालना उन्हां लई मुश्किल हो रहा सी। दूजा वो जिहड़ा समय दी मंग सी वो करन दे लई एक दिन संत श्री हरनाम दास जी सेवादास जी ने सारी जमीन, प्रॉपर्टी, रिश्तेदारियां दी गुंदलां समझा के उन्होंने बिना दसे रात को चल पैंदे आ। बस फिर वो घूमते घूमते पिंडा च कीर्तन करते आ, पिंडा च गजा करते आ, पिंडा तो आउंदे 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 फिर एक दिन वो रेलवे स्टेशन जलंधर दे पहुँचते आ। इस तरह उन्होंने जिहड़ा मुंडला जीवन आ कह लो जां माता पिता का जिहड़ा घर है ये वैसे मैं उन्होंने जन्म वाला घर देखिया भी आ जी। मैं तो संत रामानंद महाराज दे नाल असी उस घर गए सी, कुछ संगत होर भी सीगियां। उन्हां दे उत्थे दो घर आ, एक घर जिहड़ा उन्हां ने वो सेल कर दिता है ते दूजे घर दा जिहड़ा हुण जिथे इन्हां दा जन्म होया वो घर सेल कर दिता है, जिहदे दूजा घर उहदे विच संगतां रहिंदियां। प्रिंसीपल साहब संगत जानना चाहेगी कि सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दा गिल पत्ती नूं छड्ड के पिंड बल्लां दे विच ही आउणा, जिहड़ी कि जित्थों कि एक युग पलटन की शुरुआत होंगी और संसार के इतिहास की एक बहुत विलक्षण अनोखी और महान घटना है, उहदे बारे आप जी चानना पाओ। देखो बलवीर जी, सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जिया का बठिंडे तो आना और उन्होंने अपनी रूहानीयत के नाल, चाहे वो बाल अवस्था में सन, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਆਲਰੈਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਤੰਭ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਣਦਾਸ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਮਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ स्वामी सरवणदास महाराज जी जदों बचपन के होंदे ने, उन्होंने रस्मी विद्या किस स्थान तो प्राप्त की और उन्होंने अध्यात्मिक गुरु के बारे आप जी दसन की कृपालता करो। जिस तरह प्रिंसीपल साहब ने दसिया, सतगुरु सरवणदास महाराज खुद परमेश्वर का स्वरूप से जी। विद्या पढ़ना तो एक लोक रीति से, उन्होंने विद्या किशनगढ़ पिंड संत करतानंद महाराज जी दे उन्होंने विद्या के गुरु द्वारा हुई है। तो महाराज बहुत उच्च कोटि के विद्वान से जी, ना सिर्फ पंजाबी बल्कि हिंदी, संस्कृत, इन्होंने भाषा के भी बहुत विद्वान से। तो उन्होंने दिनों विच जात पात ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਜੀ। संत बाबा हरनामदास जी जलंधर, उन्होंने नाँ ते महला हरनामदासपुरा है जी, वो महाराज जी दे अध्यात्मिक गुरु सी। ते उन्होंने अपने बचन में अपने कन्नी खुद सुने हैं, साडे माता जी उन्होंने पखा चल रहा सी, इत्थे बल्लां कुटिया विच तूत दे थले उन्हों दी चारपाई सी, गर्मी दे दिन सी। ते मैं उन्होंने कोल बचपन विच बैठा सी। तो संत बाबा हरनामदास जी ने यह वचन साड़ी माता जी ने कहा, बीबी सरवण कह के, सरवण रूहानी मंजिलों में सातों बहुत अगे लंघ चुके हैं, उन्होंने कोई रीस नहीं कर सकता। और बाद विच जदों उन्होंने अंत समा आने वाला सी बाबा हरनामदास जी का, उदों भी उन्हें करमचंद प्रेमी जी ने खास स्नेहा भेजा सी कि साढ़े सरवणदास जी नू ये बेनती करनी मेरे वालों कि साढ़े लिए भी सचखंड में जगह बना के रखन। एक गुरु अपने सिख दी इस तरह जिहड़ा शलाघा करदे आ ते ओह तुसीं अंदाज़ा लगा सकदे आ ओह वाकई रब रूप सिगे। प्रिंसीपल साहब जिवें आप जी ने दस्सिया कि जदों बाबा पिपल दास महाराज जी दे नाल बाल रूप दे विच सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी पिंड बल्ला विखे आउंदे ने ते ओह बाल रूप सन, छोटी आयु दे विच सन ते पिंड बल्ला दे विच फिर महाराज जी दा पालन पोषण किवें होया? बलवीर जी मैं ये गल स्पष्ट कर देनी चाहुंदा हां, संत बाबा पिपल दास जी महाराज ते संत सरवण दास जी महाराज ने अपनी रूहानीयत दे नाल चौहां वरनां नूं, पिंड दे चौहां वरनां नूं अपने नाल जोड़िया और कोई ऐसा घर नहीं सीगा किसी भी वर्ग का जिहड़ा संतां दे चरनां दा पौरा नहीं है, नहीं है दा मैं कहना नहीं है। संत पिपल दास महाराज क्योंकि गजा करने जाते सी, संत सरवण दास महाराज बाल अवस्था में उन्होंने नाल हुंदे सी ते एक दिन की यह घटना आ रामगढ़िया के परिवारों के वल जाते हैं महाराज जी, श्री खड़क सिंह जी उन्होंने परिवार, खड़क सिंह के माता जी माता हरनाम कौर, धर्म पत्नी श्री सूबा सिंह जी, वो हाथ जोड़ के संत बाबा पिपल दास जी महाराज नूं इदां बेनती करते हैं, कहते महाराज जी जे तुसीं किरपा करो तो तुसीं ये बाल सरवण दास दी नहलाउण दी, कपड़े बदलने दी, केस वाउण दी, खाण पीण दी सारी व्यवस्था दा जे जिम्मेवारी तुसीं मैनूं दे दिओ ते मैं धन भाग समझांगी। संत महाराज ने वचन किया, कहते हरनाम कोरे ये बालक तैनूं चारे पदार्थ बख्शिश करूगा, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष। उस दिन तो संत सरवण दास महाराज जी का जिहड़ा जीवन आ उन्हां दा जिहड़ा बचपन आ तैयारी का पालन पोषण का वो माता हरनाम कौर जी दे जिम्मे आया ते माता हरनाम कौर जी ने उदों तक इन्हां दा पालन पोषण किया जदों तक महाराज सरवण दास संतां ने आप उन्होंने कहा सी माता जी हुण मैं तकड़ा हो गया, हुण मैं अपने कपड़े वस्त्र रोटी पानी आप हथ ना खा सकदा, ये मैनू मतलब जिहड़ा आ थोड़ी जी मेरे ते भरोसा करके जिहड़ी मैनू आप काम करने दा आग्या दिती जावे। ते अचानक की होया कि जिहड़े माता हरनाम कौर दे बच्चे आ वो जलंधर सिटी दे विच सैटल हो जाते हैं तो माता नैचुरली आ माता हरनाम कौर ने भी उत्थे जाना सी ते जदों माता हरनाम कौर जी जाते आ जाण तो पहला वैसे वो आते रहे आ, जाण तो पहला महाराज सरवण दास संतां नूं बेनती करके गए आ कि सरवण जिद्दण मैं दुनिया नूं छड्ड के जाना आ मैं चाहांगी कि उस दिन तुसीं मेरे कहण ते मेरे घर जरूर आयो ते महाराज ने वचन दित्ता सी माता जी किसी तरह की चिंता नहीं करनी। तो वो टाइम आया उन्होंने सरवण दास महाराज नूं याद किया, सरवण दास महाराज जिद्दण उन्होंने वीरवार याद किया मतलब तो बुध मंगलवार याद किया तो बुधवार गए, वीरवार जानी याद किया तो शुक्रवार गए, अगले दिन गए। जदों जाते आ तो महाराज बहिंदे ही आ तो माता हरनाम कौर जी कहते आ गए महाराज जी अगे आ गए, कहते तुसीं तुहानूं मैं कल याद किया सी, कहते माता जी फिर मैं हुण सारे हिसाब किताब तुहाडे करके ही आउणा सी, सो लो मैं अरदास करके तुहाडे सारे बंधन जिहड़े आ वो मुक्त कर दिते आ, तुसीं मैनूं हुण दसो अरदास दे बाद तुहानूं की महसूस हुंदा है। ते माता हरनाम कौर ने कहा महाराज जी मैनूं इदां लगदा आ मेरे सिर ते कोई बोझ नहीं हैगा, मैनूं मेरे बच्चों का कोई फिक्र नहीं हैगा, मैनूं अपनी जिंदगी का कोई मतलब किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुंदी, मेरा शरीर बहुत हल्का आ। ते माता हरनाम कौर नूं महाराज सरवण दास संतां ने अपनी हाजरी दे विच सचखंड भेजिया, सो उन्होंने बचपन की जिहड़ी सेवा लई सी जिन्हों उन्होंने धर्म की माँ समझिया उन्होंने उहदे नाल धर्म पुगाया, ये उन्हां दी सेवा का फल सी। ये देखिए आपां कि ਉਹ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ जदों सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी परमात्मा के चिंतन विच दिन रात लीन रहिंदे होए जवानी अवस्था दे विच पहुँचते ने ते एक घटना उन्हां दे महान जीवन दे नाल जुड़ी हुई है कि सुबह जदों तड़के बल्ला पिंड तो एक किसान आउंदे ने इस पासे वल कुटिया वाले पासे वल और हल वाउण दे वास्ते ते अगे वो देखते हैं कि महाराज जी दे जिहड़ा शरीर दा अंग इकला इकला होया पिया ते वो रौला पाउंदे हुए नठ जांदे ने कि संतां दे उपर किसी ने हमला कर दिता और संतां दा कतल करके कोई चला गया। और जदों वापस जा ही रहे हुंदे ने ते उधरों सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी सामने आ रहे ने और उन्होंने चुप कराउंदे ने ते उन्होंने समझाउंदे ने कि तू गल किसी दे नाल करनी नहीं। और पर जदों इस तरह की विलक्षण घटना वो किसान देख लेंदे ने ते वो फिर रोक नहीं सकते अपने आप नूं और वो सारी लोकाई दे विच दुनिया विच धुम्मां पै गईयां इस पीरां दे सरदार दियां और सारे संसार दे विच सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी विख्यात हो जाते हैं और चौं वरनां दे लोग दूरों नेड़ों उन्हां दे चरण कमलों दे विच पहुँचते हैं। तो संगत जानना चाहेगी कि सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की जो दिनचर्या सी और उन्हां दा पावन शख्सियत का प्रभाव और जलौ किस तरह का सी। डॉक्टर बलबीर जी, पहला तो मैं ये साफ कर देना चाहना कि असीं तां उन्हां दे चरनां दी धूड़ है जी, उन्हां दी महिमा उन्हां दी उपमा मेरी तुच्छ बुद्धि दे बयान तो बाहर है जी। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा की जाए जी। उन्हां वर्गे महापुरुष परमेश्वर स्वरूप संत दुनिया विच बहुत दुर्लभ है जी। तो जिहड़ी घटना की तुसीं गल कीती है, महाराज योगियां दे योगी सी, शहनशाह फकीर सी और अंग कटी योग वो एक साखी नहीं हैगी, कई साखियां होंदियां दुनिया नूं दिखावे वास्ते नहीं जी। लेकिन वो अंग कटी योग करते सी कदी कदी। तो वो जदों सज्जणा ने देखा सी उन्होंने उन्होंने दे अंग अंग अलग अलग पे असल विच महाराज दी लीला सी, उन्होंने उस तरह दृश्य आया होवेगा। तो एक इस तरह की घटना सिर्फ एको सज्जण नाल ने वापरी, एक कई सज्जणा ने इहो जी घटना बाद विच भी देखी है। अंग कटी योगा महाराज जी करते सी और ये बारे कई साखियां है जी। दिनचर्या बारे भी बयान करना बहुत मुश्किल है जी। पहली सब तो वड्डी गल तो यह है कि जिन्हों ने महाराज जी नूं नज़दीक तो देखा उन्हां नाल समां बिताया। महाराज सवेरे तड़के उठना, 4 बजे स्नान करना। महाराज जी कुटिया विच नहीं सी रहिंदे, रात नूं पिंड वाले आश्रम विच संगतां नूं कथा कीर्तन हुंदा सी, रोज़ कथा कीर्तन हुंदा सी। पिंड दियां सारे वर्गां दियां संगतां उत्थे आके कथा सुणदियां सी। ते सर्दियां नूं आश्रम दा जिहड़ा मंदर उदों सिंगल स्टोरी हुंदा सी, कच्चे मकान हुंदे सी, संगतां बरांडे विच बहिंदियां सी। महाराज दा हुण भी कमरा हैगा, उत्थे उस कमरे विच महाराज बैठ के व्याख्या करदे सी ते कथा आम तौर पर सरपंच उजागर सिंह जी करते होंगे सी। होर भी कथावाचक होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समा सी। तो महाराज ने ऐसी स्कॉलरली व्याख्या करनी कि सारा गल क्लीयर हो जाए। और ये भी गल कई बार महाराज भी पूछ भी लेंदे सी उस केड़ी गल कर रहे सी ताकि संगत चेतन रहे और ध्यान नाल सुने। फिर कथा होने तो बाद महाराज ने आम तौर पर चाह का लंगर छकाउणा, जिन्नी भी उत्थे संगत होवे, थोड़ी संगत हुंदी सी। पिंड दे ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ पड़ोसिया के घर जिदा बीबी हुक्मा सी बीबी मिलखा जी सी बिश्ना राम ज्ञानी बिश्ना राम जी के माता जी उन्होंने घर बीबियां रहिंदियां सी ते महाराज ने फिर बचन करना चाह पीने तो बाद हुण सारे जने भजन ते बैठ जाओ जिन्ना था तो भजन हुंदा करो कोई गलबात नहीं करेगा एक दूसरे नाल कोई गलबात नहीं सी करदा। महाराज ने खुद एडे वड्डे महापुरुष थले चटाई बिछा के चौंकड़ा मार के उत्थे समाधि ला के बैठ जाना। कई सेवक साढ़े वर्गे गर्मियां नूं पक्खा चलदे असीं तां थक भी जाईदा सी सानूं नींद आ जाणी। महाराज ने अडोल समाधि विच जदों भी किसी ने देखना उन्हां महाराज नूं समाधि विच ही पाउणा। फिर तड़के उठ के 4 बजे स्नान करके चाह छक के फिर संगतां दी उत्थे दवाई दारू पहला पिंड वाले आश्रम विच ही दिंदे सवेरे सवेरे जिहड़ा संगत आ जाए उत्थे दवाई देनी संगतां दे दुख सुख सुनने। फिर महाराज ने इत्थे कुटिया आ जाना बाहर जिथे हुण सचखंड बल्ला मंदिर इत्थे भी शुरू विच बिल्कुल एक तरह नाल शांति ते सन्नाटे वाली जगह हुंदी सी। एक कनाल दी कुटिया दी जगह सी बाकी सारे खेत जिमींदारां दे सी। वो कुटिया विच संत हरिदास जी ने तो होर संगतां ने बहुत दरख्त फल बूटे फुलदार हर तरह के छां वाले दरख्त लाए सी। महाराज दे एक 4 खाने का कमरा सी उहदे सामने छोटा जिहा बरांडा सी उहदे अगे थोड़ी जगह छड़ के थड़ा सी। अक्सर महाराज जी थड़े ते विराजमान हुंदे सी। कोई संत महापुरुष आउण ते उन्हां नूं बराबर थड़े ते महाराज आसन दिंदे सी। बाकी सारियां संगतां थल्ले दरियां ते जां टाट बिछा के महाराज कोल बैठ के महाराज दे प्रवचन सुणदे सी। समय अनुसार महाराज ने इत्थे भी संगतां दे भले लई हर टाइम सोचना ये अपने काम छड़ के आया इन्हां दा समा लेखे विच लगना चाहिदा। इसे करके या तो सत्संग हुंदा रहना या किसी गुरबाणी दे शब्द की व्याख्या महाराज जी ने करनी जां किसी नूं कहना कि तुसीं आह प्रसंग इस ग्रंथ विचों संगतां नूं सुणाओ। फिर आईयां संगतां दे हर एक दे कई दुखड़े हुंदे दुखड़े सुनने बीमारां नूं दवाई दारू आयुर्वेदिक दवाइयां देनियां जिन्हां दे होर सेंसे ओह निवृत्त करने। फिर लंगर दा समा हो जाना ते लंगर दी पंगत लगनी चाहे कोई वजीर होवे चाहे कोई भिखारी होवे सारे पंगत विच बैठ के लंगर छकना ते अटुट भंडारे हुंदे सी। ते महाराज स्कूल दे बच्चों वास्ते खास करके स्पैशल भंडारे भी करते हुंदे सी। उहदे विच मालपूड़े खीर पौष्टिक आहार बच्चों वास्ते उदण आम तौर ते बाकी संगतां नूं आने की मनाही हुंदी सी। जिहड़े सेवादार हुंदे सी उन्हें आना जां बच्चों ने आना उन्हां लई फिर लंगर छकाउणा। ते महाराज ने जिहड़े सानूं मुख बचन कीते संगतां नूं करने ओह सी भरावो ये मानस जन्म बहुत दुर्लभ आ ये सानूं बार बार नहीं मिलना। इस करके चंगा गुरु भाल के महाराज कहंदे सी टणका के गुरु करना चाहिदा पूर्ण गुरु होना चाहिदा। उन्होंने दसे हुए रस्ते ते चल के भजन सिमरन करो। साडा मेन मंतव मनुख जन्म दा प्रभु दा सिमरन भजन ते बंदगी आ जिन्ना थोतों हुंदा करो। ये भी महाराज दे बचन सी कि कलयुग विच समाधियां घट लगदियां होंदियां। तो तुसीं दुनियावी काम भी करने आ, दुनियावी काम करो लेकिन ध्यान प्रभु विच रखो हर दिन। नेक कमाई करके दसां नौहां दी किरत कमाई करो, वंड के छको। हेरा फेरी वाली कमाई फलीभूत नहीं होंदी। रिश्वत लैनी रिश्वत देनी इहदी सख्त मनाही सी। लंगर बलवीर जी तकरीबन सारा दिन ही चलता रहिंदा सी, क्योंकि संगतां किसी भी टाइम आउंदियां सी, किसी भी टाइम जांदियां सी। दोपहर का लंगर छकण तो बाद जिन्हां संगतां ने अपने घरां नूं वापस जाना हुंदा सी, महाराज उन्हां नूं आग्या दे दिंदे सी, अपने घरें चले जांदे सी। होर नवीआं संगतां आ जांदियां सी। गर्मियां नूं महाराज जी ने सारे आउण वालिआं नूं शक्कर का शरबत या खंड का शरबत छकण लई कहना। नलके तो पानी ला लो, उत्थे कई बार तो उत्थे रख देनी खंड तो शक्कर, जो जिन्ना पीना पियो, ताकि गर्मी चो आई है संगत उन्होंने इन्ना उन्हों का ख्याल हुंदा सी। इन्हां नूं पानी की सख्त जरूरत है तो इन्होंने मिठा शरबत पिलाइए। चाह का लंगर वरताउणा, लेकिन विच जिन्ना भी समा हुंदा सी वो जां ते गुरबाणी विचार विच जांदा सी, जां फिर किसी ने दुखड़े अपनी अर्ज करनी महाराज जी नूं, उहदा महाराज जी ने समाधान करना। बड़े तो बड़ी समस्या महाराज खेल खेल विच ही बहुत सारियां साखियां है, मैं बयान नहीं कर सकता। दुनिया के दुख हार लेंदे सी। फिर शाम नूं महाराज फिर सैर करन जरूर जांदे सी, ते नाल कई बारी साडे वर्गे बच्चों नूं एक नूं ला जाना। सानूं खुद मौका मिला कई बारी महाराज जी दे नाल जाण दा, सैर करनी, सैर करके आना, फिर कुटिया तो डेरे जाना, उत्थे भी कथा कीर्तन सत्संग भजन सिमरन। इस तो सिवाय और कोई समा खाली नहीं सी जाता। मतलब उन्होंने महिमा बयान तो बाहर आ, मैं तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहला भी कह चुका कि उन्होंने महिमा बख्यान करन दा मतलब यह है कि सूरज नूं जिद्दां दीवा दिखाने वाले मेरे वर्गे। महाराज जी ने परमात्मा की इन्नी बंदगी की कि उन्हों का जिहड़ा नूरे मुखड़ा से देख के जिन कदी भी दर्शन नहीं सी कीते वो भी निहाल हो जाता सी। उन्हां दी परसनैलिटी, उन्हां दा चाल, उन्हां दी बोल चाल, उन्हां दे बचन विलक्षण सी। गुरबाणी दा शब्द शब्दां दी व्याख्या वो भी विलक्षण सी। ते हर टाइम उस सारिया संगतां दे सारे समाज दे खास करके गरीबां दे मसीहा, उन्हां नूं गरीबां दे अगे बढ़न दी बहुत चिंता सी, ते वो मार्ग भी दसदे सी कि मेहनत करो, ईमानदारी नाल बच्चों नूं पढ़ाओ, हुनर सीखो, अगे बढ़ो, तरक्की करो। कई बारी जदों साडे समाज दीआं बीबियां खेतों विचों घाह वगैरह लैण वास्ते जांदियां सी, ते जदों महाराज उन्हां नूं देखदे सी ते उन्हां दे दिल विच इहो गल जरूर आउंदी सी वे परमात्मा इन्हां दे भी दिन बदलने चाहीदे आ, इन्हां नूं भी तरक्की दा रस्ता मिलना चाहीदा, तरक्की करन। तो उन्हें करके दिखा दिता। साढ़े वर्गे पिंडां विच रुलदे बच्चों नूं धूल मिट्टी नाल भरिया सड़कों ते कक्खां विचों चक के विद्या पढ़ा के महाराज जी ने देश ते विदेश दीआं स्टेजां ते खड़े होण दा माण बख्शिया। किन्ने बच्चे उन्हां दी प्रेरणा नाल पढ़ के बड़े बड़े अफसर बने, IAS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, होर इंडियन रेवन्यू सर्विस, कोई सर्विस ला लो, जी। उन्होंने साडे समाज नूं इज्जत नाल जीने की जांच सिखाई जी। मान नाल जिंदगी, चाहे कोई गरीब होवे, मेहनत की रोजी रोटी कमानी, मान नाल रहना ते समाज में इज्जत सानू उन्हीं बख्शी है। उन्होंने परोपकार साडा समाज कदे नहीं भुला सकता। लेकिन उन्होंने परोपकार खाली साडे समाज ते नहीं होए, सारे वर्गां दे लोग, सारियां जातियां दे लोग उन्हों के सेवक सी। मैनूं याद है जदों मैं पहला आना शुरू किया तो ग्यानी बंता सिंह जी जो कि जट से, वो स्टेज सैक्रटरी से। संग्रांद के दिहाड़े होर कोई भी पहले नराते का पर्व होवे, स्टेज सैक्रटरी की सेवा वो निभाते सी। उन्होंने अपने बचन आ बहुत अच्छे वक्ता से, लेकिन उन्होंने अपने बचन मैं कन्नी सुने आ, भरावो मैं नहीं बोल रहा, जो महाराज संत सरवणदास जी मेरे तो बुला रहा मैं वो बोल रहा। सर उजागर सिंह जी बल्ला पिंड के सरपंच रहे बहुत साल, किन्ने साल वो पिंड के डेरे विच शाम की कथा की सेवा वो निभाते रहे। होर पिंड दे सुनारे, शहर तो बहुत सारे वख वख जातियां दे लोग महाराज दे सेवक से। महाराज जात पात ते वर्ण वंड दे बिल्कुल खिलाफ से। जो श्री गुरुदास महाराज जी की सिक्ख्या, महाराज वास्ते सारे वर्गां दे लोग, सारे इंसान बराबर उन्हें दर्जा दिता और वितकरा करने तो मनाही भी करते सी। ते वो युग पुरुष महान विद्वान सिर्फ अध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, आयुर्वेदा ते हिकमत दे ग्रंथ भी महाराज जी ने बहुत अध्ययन किए। असाध तो असाध बीमारियां का इलाज सिंपल आयुर्वेदिक ते यूनानी दवाइयां नाल महाराज जी करते सी। मैनूं याद है एक बारी बाहरले किसी प्रदेश चो एक बजुर्ग संत आए, उन्होंने संगरैने की बहुत पुरानी बीमारी सी, बहुत दुखी से, कितों नहीं सी आराम आंदा। मेरे सामने महाराज जी ने उन्होंने दवाइयां तैयार करके दित्तियां और बिल्कुल नौ बरना हो गया। सोकड़े की बीमारी बच्चों नूं, निमोनिया एक रत्ती दवाई हुंदी सी, ना ही एक रत्ती सी, एक पूरी देने नाल निमोनिया बच्चों का हट जाता सी। मैं उन्होंने किहड़े किहड़े गुण बख्यान करा, मेरिया लखां जीबां होंदियां तां भी मैं बयान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ महावाकां के अनुसार सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की अनाथां गरीबां के प्रति किस तरह की भावना सी और विद्या के प्रति, रस्मी विद्या के प्रति महाराज जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण से? देखो बलबीर जी, दो प्रश्न है। अनाथा दे नाथ, अनाथ वो लाचार लोग जिन्होंने असीं कई बार एक तो असीं कहने जिहड़े माँ बाप हीन लोग आ, एक वो अनाथ लोग जिन्हां दे कोल अपनी जीवन दी जापन दे लई तरक्की वास्ते कोई साधन नहीं। नाथ वो ताकत आ जिहड़ी वो सारे काम करने की समर्था रखती है। तो ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर संत सरवणदास महाराज जिन्हां दे बारे अज आपां गल्लां कर रहे हैं, उन्हां विच एक बहुत वड्डी लगन सी, ये बहुत वड्डा गुण सी। एक तरह ये कह लैने जिद्दां कह दिंदा फलाना मसीहा सी, वो मानवता दे मसीहा सी। अनाथां दे लई विद्या तो अनाथ भी हो सकते हैं, जमीन तो अनाथ भी हो सकते हैं, दुआ दारू तो अनाथ भी हो सकते हैं, साडे जिहड़े गुरुद्वारे मंदिर आ उन्हां तो अनाथ भी हो सकते हैं। मतलब हर वो चीज़ जिहदा कोई जीव हकदार आ, अगर वो जीव नूं वो चीज़ नहीं मिली, इट मीनस वो बंदा अनाथ आ। ठीक है कि नहीं? मैं ये गल कहनी चाहना कि जो सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज आ, वैसे तो उन्होंने जोड़ा प्रैफरेंस आ वो सतनाम आ, वो इनू दुनिया के हर मसले का हल मनते सी और ये इन्नी समर्था आ कि जिहड़ा जीव आ वो कुछ भी प्राप्त कर सकता महाराज के चरणों के विचों। अनाथां दे लई मैं ये कह सकदा क्योंकि महाराज नूं पता सी, महाराज के दिल के वो दर्द सी जिहड़ा अज तो 644 साल पहला सतगुरु रविदास महाराज जदों पैदा होए उन्होंने जिहड़े जिहड़े मानवता लई काम कीते जां वो जिहड़ा दर्द सी वो सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज दे सीने विच विराजमान सी, विद्यमान सी। वो उस दर्द नूं समाज दे विचों दूर करना चाहुंदे सी। जिद्दां असीं कहने आ वो गरीबां दे लई जमीनां नहीं सीगियां, जदों वो देखदे सी वे सड़कां दे उत्ते साडीआं धीआं भैणां कपड़ा लै के खेतों के काम करन जांदियां जां खेतों के घाह वगैरह लैन जांदियां तो एक होंगा मारदे सी, किन्ने इदां दे साधु होणगे समाज में जिहड़े ये काम करदे आ। वो एको ही सी संत सरवणदास महाराज, क्योंकि वो चाहुंदे सी भी किसी भी कीमत ते मेरे गरीब लोग जिहड़े आ ये आर्थिक तौर ते उपर आउण तां कि मेरे अनाथ जिहड़े आ वो किसी ना किसी चीज़ दे नाथ बन। और उन्होंने बनाए मेरे को दो तीन हैगियां गल्लां कि उन्होंने एक बारी किशनगढ़ के कोल साइकिल ते महाराज जांदे सी किसी दे नाल ते महाराज उन्होंने कहण लगे डॉक्टर नूं कहंदे जाओ बीबियां सद के लिया, उन्होंने लियांदा महाराज ने उन्होंने प्रशाद दिता, प्रशाद दे के महाराज कहंदे अच्छा बीबी भला करे, महाराज भला करे तो महाराज चले गए। वो दो तीन साल बाद बीबियां महाराज के कोल आईयां सी धन्नवाद करन, कहंदे महाराज जिहड़े खेत विचों घाह खोदे सी ना वो खेत असीं मुल लै लिया, उत्ते तुसीं आ। दूजी गल होर गरीबां दा नाथ की होना, जिन्नी हुण उन्हां जमाने 'च डॉक्टरी विद्या नहीं सीगी, लोग जिहड़े आ वो दवाइयां तो इन्हां जद पैसा है नहीं तो दवाई कित्थों लैणी आ, जिहड़ा बंदा बीमार है वो ठीक किदां होऊगा। सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज एक ऐसे संत सी जिन्हां ने अमृतसर तो आयुर्वेद का डिप्लोमा किया, मनदे आ दुनिया नूं परमार्थ विच लाउंदे आ, फिर भी उन्होंने सतमां 'च रहिंदे डिप्लोमा किया और उन्हां दी एक ऐलान सी कि मेरी कुटिया दे विच 24 घंटे, क्योंकि जागते रहंदे सी 24 घंटे, जदों मर्जी कोई गरीब आके दस्तक दे सकदा, अगर उन्होंने बुखार की किसी भी तरह की दवाई की लोड़ आ तो तुहानूं डॉक्टरां कोल भज्जण दी लोड़ नहीं, तुसीं मेरे कोल आओ, ईवन दुध पानी भी इत्थों ही दे दिंदे सी। तीजी घटना दे विच जे आपां देखिए विद्या उन्हां दा पूरा सी, मतलब यह पूरा उन्हां दा तहिया सी कीता, उन्होंने वो विद्या पढ़ाते रहे आ, लंबड़ा दे खूह दे उत्ते भी पढ़ाते रहे आ, डेरे भी पढ़ाते रहे आ, कदी रेता कदी सुआह ऐदा विछा लैनी, फिर वो उत्ते पूरने पाने जिद्दां सानूं जेबटी दे विच ऐदा प्राइमरी च करो वो पढ़ाउणा। उन्हां दा एक ये जोर सी, वो कहंदे हुंदे सी ਉਹ माँ पे बच्चों के दुश्मन आ जेड़े अपने बच्चों नूं धीआं पुत्तां नूं विद्या नहीं दिंदे, कहंदे वो पापी आ, वो शत्रु आ, वो दुश्मन आ, क्योंकि विद्या ही कहंदे सी महाराज विद्या ही साडी तरक्की का एक साधन आ। यही कारण आ जदों बाऊ जी ने गल कीती मालपूड़ियां दी ते संत सरवणदास महाराज ऐतवार नूं केवल स्टूडेंट्स नूं बुलाया करदे सी मालपूड़ियां दा लंगर छकाउणा, नाल कहना पुत्त रज के खा लो, घरदियां नूं तंग नहीं करना, जे घर दे पैसे ना देण मेरे तों लै जाणे फीस दे, जे रोटी पानी नहीं मिलदा तुसीं इन्ने मालपूरे खादे तुहाडा हफ्ता लंघ जावे, इदां दी उन्हां दी सी ख्याल। और वो गल मैं कई घर लिखे भी इदां दे जिन्हां बजुर्गां ने मैनूं ये गल कही आ कि हाँ वाकई जदों असीं तहिया कर लैंदे सी कि महाराज अज मैं रोटी खा चलिया रज के साडे ते किरपा रखिओ, कहंदे सानूं हफ्ता हफ्ता पर चज नाल भुख नहीं सी लगदी हुंदी। वो कौण सी? वो ब्रह्म ज्ञान सी, वो ब्रह्म ज्ञानी सी। ते ब्रह्म ज्ञानी कौन हुंदा? कहंदे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नूं जानण वाला ही ब्रह्म दी गल कर सकदा, ब्रह्म नूं जानण वाला ही ब्रह्म दी व्याख्या कर सकदा, ब्रह्म नूं जानण वाला ही ब्रह्म दे मुताबक काम कर सकदा। ते सतगुरुआं दी बाणी दे विच भी है मन मेरो सत स्वरूप विचार, ब्रह्म ज्ञानी ही केवल एक ऐसा ब्रह्म ज्ञानी आ जिहड़ा सत स्वरूप परमात्मा दा विचारदा ते वो समाज दे कल्याण दे लई, समाज का कल्याण आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, सभ्या तौर पर, आचार तौर पर, धार्मिक तौर पर, हर प्रकार के तौर पर जिहड़ा कोई गरीब दुखी आ इहदा मतलब वो उस चीज़ तो वांझा आ, उस चीज़ तो अनाथ आ। तो सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज ने हर वो अरदास दे राही, हर उस जतन दे राही वो काम कीता जिहदे नाल उन्हां दी लाडलियां संगतां नूं जीवन 'च तरक्की मिल सके। और अनेक ही मैं बंदे कह सकदा आ जिद्दां ज्ञानी विचरा राम आ राइटर है या बहुत बड़े साढ़े डेरे दे पहली किताब उन्होंने लिखी थी। उसके बाद ज्ञानी बिछना राम जी, फकीर सिंह जी महाराज की कृपा नाल ही तो वो आस्ट्रेलिया तक के अंबैसडर बने हैं। साढ़े होर अनेकें व्यक्ति आ पिंड दे सारे वर्गां दे लोकां ने वो सिक्ख्या प्राप्त की, उन्होंने कोई किते कोई किते कोई किते कोई किते। इस करके मिसाल बैठे अपने को देखो, ये तो एक उन्हों का परिवार आ। श्री दित्तू राम जी उन्होंने पलेठे उन्हीं दो बूटे लै लेने, पूरा सीजन उन्होंने मंजे दा उहदी भाल करनी। जदों अंब पकने तो नहीं पिपलदास महाराज नूं कहना महाराज जी आ जाओ, फिर सरमदास महाराज जाते रहे। ये उन्होंने परिवारों के विचों इन्हां दे माता जी आ, इन्हां दे पिता जी आ, इन्हां दे मामा जी आ, इन्हां मामा जी दीआं भैणां आ। इस करके मैं ये गल कह सकदा जिन्हां ने अखीं देखिया आ जां जिन्हां ने महसूस कीता आ, जिन्हां ने उन्हां तों आसरा लैके इस जिंदगी दीआं मंजिलां नूं तय कीता आ, वो ये चीज़ दे साक्षात गवाहियां आ कि संत सरवणदास महाराज आप परमेश्वर जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी सी, उन्हां ने गरीबां नूं गरीबां दे हक दिवाउण दे लई अपनी भगती दा भी इस्तेमाल कीता। जिहड़ा मैं पहले किहा सी ये महज कविता नहीं बल्लां दे विच आउण वाले आ। ये उपकार उन्हां दे, ये काम उन्हां दीआं, ये सेवावां उन्हां दे कीते होए जिहड़ियां परामर्श आ वो रहिंदी दुनिया तक याद रहणगे। संत सरवणदास वर्गे संत दुर्लभ आ। उन्होंने वो साडे समाज नूं सिर उच्चा चुक के तुरन दी गल सिखाई, साडे समाज नूं एक तरह एकता सिखाई। भारती संविधान दे विच सब कुछ होण दे बावजूद हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश उन्हां लोकां नूं ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲ ਆ, ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਆ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਆ, ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਰਵਣਦਾਸ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਊ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਸੀ? मैं अपने वालों नहीं कह रहा जी, लेकिन बहुत सारे संतां महापुरुषों के दर्शन करने का सानू मौका मिले। इस कुटिया महाराज सारे संतां का बहुत सत्कार करते सी और उन्होंने भी बल्कि बहुत सारे संतां महापुरुषों ये भी स्नेहा दिंदे हुंदे सी कि संगत का असीं जिहड़ा अन्न खांदे आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਣ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ संगत में सुना के, व्याख्या करके, सत्संग में चर्चा करके इस तरह समझाते सी। गुर सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। ये तो मैं कबीर साहब जी का एक शब्द जोड़ा महाराज जी अक्सर संगतां नूं सुणाउंदे हुंदे सी। सारे संत महापुरुष उन्होंने संत श्रोमणी या संतां विच बबर शेर कह के उन्हों का सत्कार करते सी। कोई समस्या कितों ना हल होवे, किसी प्रश्न का ढुकमा जवाब ना लभदा होवे, चलो फिर आपां संत सरवणदास महाराज जी के शरण में जाते हैं। उत्थों साडा हर सवाल का जवाब सानूं सही मिल जाएगा। और बयान साखियां आ गया, मैं हुण थोड़े समय विच नहीं बयान कर सकता। उन्हां दी लीला बेअंत सी। हुण परमात्मा दे गुण जिन्ने मर्जी गा लईए, वो पूर्ण रूप विच असीं बयान नहीं कर सकते। वो भी परमात्मा स्वरूप ही सी। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गिल पट्टी तो आके दुआबे की धरती बल्ला पिंड रह के उन्हें इस धरती में भाग लाए। हुण जिद्दां प्रिंसीपल साहब जी ने दस्सिया, बिल्कुल गल सही आ। पंजाब दे सिर्फ अपने वर्ग दे लोग नहीं, बाकी सारे लोग भी बाकी सूबे नालों असीं किते अगे आ। जिन्ना सानूं सत्कार मान समाज विच मिलिया, वो साडे समाज के लोगों को दूसरे सूबे में हाले तक नहीं मिल रहा। ये उन्हां दी देन है, उन्हां दी बख्शिश है। लेकिन मैं जिद्दां पहलां भी कहा, महाराज जात पात में बढ़ावा नहीं सी दिंदे, और जाति वर्ण भेद नूं नहीं सी मनदे। मानस की जात सब एक को पहचान, वो एक पिता है किसके हम बारक। ये उन्हां दा कहना सी, तो उन्हां दी कथनी ते करने विच कदी कोई फर्क नहीं सी। जो बचन महाराज जी ने किया, सहज सुभा किया, वो पत्थर ते लकीर हमेशा सच सी। हुण भी सच हो रहा है उन्होंने बचन। तो हुण डेरा सचखंड बल्लां दी यात्रा भी देखो। एक छोटी जी कुटिया तो जिथे गिणती दीआं संगतां दिन विच आउंदियां सी, पहलां तो लंगर भी नहीं सी बनदा। हुण महाराज जी दे डेरे नाल जुड़े हुए सेवक सारी दुनिया विच फैले होया। सारी दुनिया विच इस डेरे का सत्कार है, क्योंकि इत्थे मानवता की सेवा की गई है। एक परमात्मा की भजन बंदगी का इत्थे हुक्का दिता गया। भरावो महाराज हथ खड़ा करके कहंदे सी, समा बहुत भयानक आ रहा, भजन बंदगी करो, अपने बच्चों नूं विद्या पढ़ाओ, ईमानदारी की किरत करो, मानवता की सेवा करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचण की कोशिश करो, ते अपने सतगुरां ते भरोसा रख के जिन्ना भजन सिमरन थातों हुंदा करो। तो सारे संत महाराज जी का बहुत ज़्यादा सत्कार करते सी। मेरे बयान तो बाहर आ। वो रब रूप गूंगे नूं जबान दे सकते सी, अनपढ़ नूं विद्वान बना सकते सी, मूर्ख नूं चतर बना सकते सी, लेकिन उन्हें कदे भी अपनी पावर्स नूं जाहर नहीं किया। गुप्त रूप में सारे काम महाराज करते सी, दिखावा नहीं, प्रगटावा नहीं किया। क्यों महाराज कहंदे सी, रिद्धियां सिद्धियां तो वो काम लेंदे आ जिहड़े अधूरे हुंदे आ। पूर्ण महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत सरवणदास जी परमात्मा स्वरूप संत अपनी शक्तियों का प्रगटावा नहीं करते। समर्था उन्हां विच सब कुछ सी। किन्ने रोगियों के साध रुख दूर किते, किन्ने परिवारां नूं बच्चों दीआं बख्शिशां उन्हें कीतियां। सानूं पता आ, बेअंत साखियां हैगियां। लेकिन महाराज कहंदे सगे, ये दुनियावी पदार्थ तो सातों जेड़े संगत मंगते हैं तो एक तरह रूंगे की तरह जी। सातों जे कुछ लेना तो नामदान लो जी, भगती करन दा तरीका लो, जेड़े जेड़ा खजाना अचुट खजाना साढ़े कोल आ उहदी मंग कोई करदा ही नहीं। असीं दुनियावी पदार्थां दे पिछे जा रहे हैं। सब तो ज़्यादा आपां जे कहिए एक गल महाराज सारिआं नूं कहना चाहुंदे सी, ओह सीगी अपना जीवन सफल करन लई परमात्मा दी बंदगी करो, अपने सतगुरुआं दे दस्से होए रस्ते ते चल के नाम भजन सिमरन करो, बंदगी करो जी। दूसरी गल अपने बच्चों लड़कियां विद्वान बनाओ, विद्या पढ़ के विद्वान बन गए तां ही तुसीं तरक्की कर सकते हैं, तां ही तुहाडी देश विदेश विच कदर होएगी। प्रिंसीपल साहब सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी का श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर की खोज और उस पवित्र स्थान ते पावन मंदिर का निर्माण जिहड़ी कि समुचे जगत नूं उन्हां दी बहुत वड्डी देन है, उहदे बारे आप जी जानना पाओ। ब्रह्म ग्यानी संत सरवण दास महाराज दे समय दे विच ते खुद महाराज सरवण दास संतां दे दिलो दिमाग दे विच इह जिहड़ी घटना वो हमेशा ही जीवंत रहिंदी सी। महाराज जी चाहुंदे सीगे कि ये जिहड़ी घटना आ ये घटे, वो ये नहीं सी जाहिर होण दिंदे कि एक्चुअली मैं कौन आ। उन्हां दे दिल दी इक्को ही तमन्ना सी कि लोकां नूं पता होवे भी मैं संत सरवण दास आ, बस ये तो वध मैं कुछ नहीं। और उन्होंने कईयां नूं उन्होंने दबकिया भी। सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज ने जदों मन बनाया ना कि हुण टाइम हो गया, ये जिहड़ी घटना आ श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर ये सिरे चढ़ना चाहिदा आ, तो हिस्ट्री दे विच भी तो शायद डेरे दियां लिखतां विच भी पिया किते। मेरे बजुर्गों का भी ये वर्णन आ कि 1962 दे विच महाराज सरवण दास संतां ने जिथे अज लंगर हालिया संत हरीदास हालिया, वो कहते ये जिहड़ी जगह आ इत्थे जून दे विच 7 नलके लवाए, 7-8 भट्ठियां लवाइयां, पूरा मेले का प्रबंध किया, 15-20 झाननियां लवाइयां। और पंजाब दे जिहड़े जिन्ने साधु संत सी उन्हां सारियां नूं बुलाउण दे लई बुलावे भेजे, नम्रता सहित सदे पत्र भेजे, और उहदे विच अनेकां साधु संतां दे नाल ब्रह्म ग्यानी संत नारायण दास महाराज शेरपुर कलरां वाले, ब्रह्म ग्यानी संत दर्शनदास जी नगर वाले, तो जे मैं गलत ना होवां तो संत शीतल दास मोहन वाले, अनेक साधु संतां च सी। वर्णन ये मिलता कि जदों संत सम्मेलन अपने पूरे जलौते सी बिना किसी नूं दस्सिया सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी ने अपने गल दे विच जिन्हों असी कहने आ सरोपा, सरोपा टाइप कपड़ा पा के महाराज उठे। उठ के उन्होंने बेनती की, बेनती करके उन्होंने कहा कि दास दी पुरजोर तमन्ना आ, मेरी इच्छा आ, मेरी तुहानू बेनती आ, मैं चाहुंदा आ कि सतगुरां दे श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर सुशोभित होने चाहिए। तो समय का वर्णन मिलता कि जेडे मेन महापुरुष सी उन्होंने सारिया ने खड़े होके नीवियां पा लिया। संत नारायण दास महाराज ने तो संत दर्शन दास महाराज जी समेत बाकी संतां ने कहा महाराज जी तुसी संत श्रोमणी आ, तुसी साडा मूल आ, असी भगत स्वरूप आ, जे ये काम तुहाडे जीवन काल विच तुसीं कर गए तां हो सकदा आ, नहीं तो साडे कोलों ये काम जिहड़ा ये काम नहीं होना। बस फिर उस दिन तो महाराज ने अपने बंदे अपनी रूहानीयत दे नाल अपनी दूर दृष्टि दे नाल जदों कहने ना ब्रह्म वेता तत्व वेता, उहदा मतलब की है? उहदा मतलब ये है ब्रह्म वेता ब्रह्म नूं जानण वाला तत्ववेता मौके के समय के मुताबिक जिहड़ा तत्व आ ज्ञान आ तत्व ज्ञान तत्व आ उहदे जानकार आ। सो महाराज ने अपने बंदिਆਂ ਨੂੰ भेजा, भेज के हौली हौली वो निशानदेही करवाई। जदों निशानदेही करवाई पहला एक दो बारी वापस भी आए, फिर महाराज ने दस्सिया उन्होंने भी फलानी जगह पहुँच करो, उत्थे पहुँच की। उत्थे लुरखुर नाँ का एक बनारस दे विच ग्वाला आ जिन फिर मूहरे हो के सारा काम करवाया। फिर उन्होंने वो जगह का यतन किया, अखीर वो जगह प्राप्त की। जगह प्राप्त करने के बाद फिर महाराज ने सारिया फॉर्मैलिटियाँ करके संत बाबा पिपल दास महाराज के चरण सेवक, अपने पिता जी के सेवक संत हरिदास महाराज जी नूं, अपने चरण सेवक संत गरीबदास महाराज जी नूं अनेकों संगतां दे नाल भेजिया। 14 जून 1965 नूं हाड़ दी संगरांद दिन सोमवार नूं सतगुर स्वामी हरिदास महाराज तो नींह पत्थर रखवाया। उन्होंने 32x27 फुट का वो यात्री हाल का जिहड़ा आरंभ किया। उहदे बाद सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी ने सारी कमान सतगुर स्वामी गरीबदास महाराज नूं सौंप दी। मैनू कुछ जिहड़ा याद आ वो मैं मतलब तुहाडे नूं जाग जिहड़ी आ वो जरूर जानकारी मैं देनी चाहूँगा, क्योंकि संत हरिदास महाराज जी ने इस तो बाद जदों यात्री हाल बनाया सी उस तो बाद तो उन्होंने 5/11/1967 में जत्था भेजिया सी, जिहड़ा वड्डा जत्था सी। उदां काम लगातार चलता रहा। उहदे विच जिद्दां 5/11/67 नूं जत्था भेजिया, वो 14/11/67 नूं वापस आया। फिर उन्हें बड़ा जत्था भेजिया 13/5/68 नूं, वो 22/5/68 तक उत्थे रहा। फिर एक होर जत्था भेजिया 14/1/70 नूं, वो जिहड़ा 9/4/70 तो आया। फिर सारे प्रबंध जिहड़े सी संत गरीबदास महाराज ने कहा भी जिद्दां तू करदे आ हुण जिद्दां संगत की लोड़ घट आ ते जिहड़ी तैयारी का योगदान जिहड़ा वो ज़्यादा आ, वो फिर 10/6/70 तक सारा ही कंप्लीट जिद्दां कह लो भी राउंड दे विच कंप्लीट होने के नेड़े तेड़े आ गया कि 11 जून 1972 नूं सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज संगतां नूं दुनियावी तौर पर शरीरक तौर पर विछोड़ा दे के सचखंड चले गए। फिर सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी मुख सेवादार बने। उन्हां दे बाद उन्होंने फिर गरीबदास संतां ने हिम्मत करके इन्हां सारे संत परिवार ने मतलब सारे महापुरुषों ने रल के मता बनाया। फिर इन्होंने 22 फरवरी 1974 नूं श्री गुरु रविदास नाम लेवा साधु संप्रदाय सोसायटी पंजाब नूं उत्थे आमंत्रित किया। उन्हां दे बाद उत्थे सतगुरां दी जिहड़े भव्य जिहड़े मंदिर दे विच जिहड़े मौजूदा स्वरूप आ उन्हां नूं स्थापित किया, जिथे सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज ने आप इनॉगोरेशन की। उहदे विच स्पैशल रोल संत नारायण दास महाराज शेरपुर कलरां दा सी, क्योंकि संत नारायण दास महाराज दा संत सरवणदास महाराज दे नाल अथाह प्यार सी। जिद्दां एक समुंदर अथाह हुंदा ना, इदां ही ये दोए समुंदर अथाह प्रेम रखदे सी। और उन्होंने वो जिहड़ा मान आ संत नारायण दास जी महाराज जी नूं बख्शिश कीता। सो 22 दासों फिर ये 74 जो मूर्ति स्थापना हुंदी आ। 7 अप्रैल 1994 नूं उत्थे सोने का कलश चढ़ाया जाता 7 फुटा जिहड़ा विदेश दीआं संगतां ने भेजिया। वो कलश का उद्घाटन बाबू कांची राम जी तो करवाया। कहते मैं सतगुरु स्वामी गुरु जी के चरणों के गुरु जी कहते होंगे, कहते मैं गुरु जी के चरणों के बेनती की सी भी महाराज एडा मंदिर तुहाडी किरपा नाल बन के तैयार हो गया, साडियां गरीब संगतां ये किद्दां आया करूगियां। तो महाराज ने कहते मैनूं कहा सी, कहते गरीबिया संगतां ने गड्डियां भर भर के आया करनियां, तू घबराउणा नहीं। संगतां ने गड्डियां भर भर के आया करनियां। और बलवीर जी मैं तुहानूं अज दसदा मैनूं खुशी हुंदी आ, अज गड्डियां नहीं भर के जांदियां, अज बस्सां नहीं भर के जांदियां, अज विदेशी संगतां देश दीयां संगतां जहाज भर भर के ब्रह्म ग्यानी संत सरवणदास महाराज दे लवाए ये मानवता दे बूटे नूं जिन साडी कौम नूं माण बख्शिया, जिन साडा सिर उच्चा कीता, जिन्हें दस्सिया नहीं ओए असीं भी बाप वाले आ, साडा भी बाप आ सतगुरु रविदास महाराज। ये सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी और उन्होंने अपने परिवार तो करवा के जिहड़े बूटे ला के जिन्होंने पाल पड़ोस के तैयार करके तुहानूं नहीं तो साढ़े पता नहीं किन्ने कु वड्डे वडेरे सतगुरु रविदास महाराज के चरनां नूं लोचदे ही संसार तो कूच कर गए, उन्होंने ये जगह नहीं लभी। मैं कह सकदा हुण लोग भागां वाले आ जिन्हां नूं अज परम पिता परमात्मा अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु रविदास महाराज दा जन्म स्थान मंदिर दे दर्शन करके अपने ऋण चुकाउण दा मौका मिलता है, अपनी श्रद्धा अपन भावनावान शीस नवा के अदा करने का मौका मिलता है। सो ये डेरा सचखंड बल्लां दी, संत बाबा पिपलदास महाराज, सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज, संत हरिदास महाराज, संत गरीबदास महाराज, सतगुरु निरंजन दास महाराज, संत रामानंद जी, संत सिंदरदास जी, ये इस परिवार की एक दुर्लभ देन आ, दुर्लभ देन। ये डेरे की अपनी सेवा आ, समाज की सेवा आ, समाज का जेड़ा मर्जी जीव जावो, आवो, मत्था टेको, देखो महाराज की कृपा, नंजा संतां की, गरीबदास महाराज तो बाद जांदियां नूं लंगर भी मिलता, नाण नूं पानी भी मिलता है, रहण नूं उत्थे बिस्तरा भी मिलता है, घूमण फिरन नूं गड्डियां भी मिलदियां। ये असीं सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज के चरणों 'च यही बेनती कर सकते हैं कि जिद्दां पिछे तो लैके तुसीं साडे ते किरपा कीती है, जिद्दां आशीर्वाद बनाई है, बनाई रखे आ, ये रहिंदी दुनिया तक अपने नाम नूं इदां ही बनाई रखिओ। असी कौन होंगे हाँ, तुहाडी उपमा करन वाले, जिद्दां दे सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज आ, जिद्दां दे परमात्मा सतगुरु रविदास महाराज जिद्दां दा ना कोई होया ना कोई हो सकदा। अपने किरपा दृष्टि, अपने चरनां दा आशीर्वाद बख्शिश करदा रहिओ, साडीआं भुल्लां माफ़ करके सारे संसार दे मानवता दा भले दे विच अपना योगदान जिहड़ा तुसीं पांदे रहे आ वो जारी रखिओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी बख्शिश प्राप्त इन्हां दोनों शख्सियतां ने सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी के जीवन और संगतां ते उन्हां दे परोपकारां दी बहुत सोहनी सुंदर चर्चा की है। इन्हां दोनों शख्सियतां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। और सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी इसे ही तरह अपने जीवन काल दे विच संगतां ते बेअंत बेअंत परोपकार करते हुए और हर समय हर पल प्रभु चिंतन दे विच लीन रहंदे होए 11 जून सन 1972 दे मुताबक सानू संसारक तौर ते सदीवी विछोड़ा दे जांदे ने। और उन्हां दे हुक्मां दे अनुसार सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी गुरगद्दी ते विराजमान हुंदे ने और सतगुरां दे हुक्मां दे अनुसार ये गुर परंपरा अगां तुरदी है। और मौजूदा दौर दे विच सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज परमात्मा स्वरूप वो संगतां दी अगवाई कर रहे ने और उन्हां दी अगवाई दे विच समुच्चियां संगतां देश विदेश दीयां संगतां महाराज जी दे दस्से होए मार्ग ते चल रहीयां ने और जीवन दे वख-वख खेत्रां दे विच बेअंत तरक्कीयां कर रहीयां ने। इन्हां दोनों शख्सियतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। जय गुरुदेव। धन्यवाद।